मनोजवं मारुतुल्यवेगं जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जो कि 7 अगस्त को है और इस दिन रक्षाबंधन है, इसी दिन पड़ रहा है खंडग्रास चंद्र ग्रहण। जी हाँ मित्रों, यह चंद्र ग्रहण 12 वर्षों के बाद में आ रहा है और जो रक्षाबंधन को भी थोड़ा सा प्रवाहित कर सकता है। 7 अगस्त 2017 को सोमवार को यह चंद्र ग्रहण रात 10:52 से लेकर के और 12:48 तक रहेगा, जिसे पूरे भारत में देखा जाएगा। इसके साथ साथ भारत के बाहर भी इसको देखा जाएगा, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड आदि देशों में भी इसको देखा जाएगा। यह ग्रहण विशेषतया मकर राशि पर पड़ रहा है। जी हाँ मित्रों, मकर राशि और श्रवण नक्षत्र, तो मकर राशि वाले थोड़ा सा लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, इनको कष्ट भी होगा। तो मकर राशि के जो जातक हैं, ये विशेष करके ग्रहण के समय में जप और पूजन जरूर करें, हवन करें, पूजन करें, जप करें, मंत्रों का जप करें, अपने गुरु का जप करें, आराध्य का जप करें, इष्ट का जप करें। मतलब मकर राशि वालों को तो ये विशेष रूप से करना ही करना है। मित्रों, बात हम आपको बताएं कि ये ग्रहण मकर राशि में होगा और मकर राशि के साथ साथ ये ग्रहण कब प्रारंभ होगा, कब इसका मध्य होगा, कब इसका मोक्ष होगा और कितने समय तक का ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। मित्रों, ग्रहण का प्रारंभ होगा 10:52 रात्रि पर। 7 तारीख की रात्रि में 10:52 पर इस ग्रहण का प्रारंभ होगा। 11:50 पे यह ग्रहण मध्य में होगा, अर्थात बीच में होगा। 12:48 पर यह ग्रहण पूर्णता की ओर होगा, मोक्ष को होगा। और यह ग्रहण का जितना भी टोटल समय है, 1:56 का ग्रहण है। ये 1:56 तक ये ग्रहण चलेगा। तो मकर राशि वाले 1:56 तक तो बैठ करके जप करें, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, उनके जीवन की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हों, ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर कम पड़े। और सोमवार को होने वाला ये चंद्र ग्रहण, इस कारण से इसको चूड़ामणि ग्रहण भी या चूड़ामणि चंद्र ग्रहण भी कहा गया है। इस ग्रहण में पूजा पाठ, यज्ञ, जप, दान, ये सब कुछ आपको करना है। यदि मकर राशि वाले इस तरह के काम को करेंगे तो उनको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में कष्ट दूर हो जाएंगे, लाभ की अनुभूति आपको होने लगेगी। इसी तरह से इसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।